अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू ऑल। क्लास आज हम पढ़ने लगे हैं फोर्थ क्लास का मैथ्स मेजरमेंट पढ़ने लगे हैं, जो कि यूनिट नंबर आपका है 5। ठीक है क्लास, आज हमने देखना है स्टूडेंट्स की हमने एक्सरसाइज करनी है 5B, जो कि आपके पेज नंबर 119 पे आपको मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आज हम करने लगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8। आप देखेंगे कि 7 राइट में हमें क्या न्यू चीज़ सीखने को मिली है। आप जानते हैं जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, किलोमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर की बात हुई थी। अब हम जो न्यू चीज़ करने लगे हैं वो किलोग्राम को हमने चेंज करना है ग्राम्स में। अब हमें ये चीज़ याद रखनी कि आपने जब किलोग्राम को ग्राम्स में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है, और जब आपने ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 1000 करना है। ओके क्लास, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 किलोग्राम दिया गया है, 750 ग्राम्स को हमें चेंज करना है ग्राम्स में। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले हम किलोग्राम और ग्राम को कभी भी नहीं प्लस कर सकते, क्योंकि हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में सेम यूनिट से सेम यूनिट में प्लस होंगे, सेम यूनिट ही सेम यूनिट से सब्ट्रैक्ट हो सकते जी। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको जैसे कि बता दिया था। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए 14 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ग्राम्स, किलोग्राम्स को हम ग्राम्स में लेकर आएंगे, ताकि यूनिट जो है वो दोनों के सेम हो जाए और आपस में इजीली प्लस हो सके। मैंने 14 को 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई किया है, तो जो कि पूरी जो है वो हमारे पास जो बन रही है वो आ गया है। इसको मैंने सेम यूनिट में प्लस करके आंसर आ गया 14,750 ग्राम्स। ठीक है, यूनिट सेम थे तो आराम से वो प्लस हो चुके हैं। बी पार्ट की तरफ आए, 32 ग्राम किलोग्राम्स को मैंने चेंज करना है ग्राम्स में, देन मैंने 716 में उसको प्लस कर देना है। मैंने मल्टीप्लाई किया है 1000 ग्राम से 22 को, तो और साथ में मैंने इजीली प्लस उसको करवा दिया है 716 से। ठीक है क्लास, मैंने इजीली मल्टीप्लाई इसको प्लस करवाया तो आगे 32,716 ग्राम्स, क्योंकि हमें आंसर किसमें रिक्वायर्ड था ग्राम्स में। क्वेश्चन सारा जो भी हमने उसको किसमें कन्वर्ट करना है ग्राम्स में। नेक्स्ट सी पार्ट देखे, 350 किलोग्राम को हमने ग्राम में चेंज करना है, इजीली मल्टीप्लाई बाय हमने इसको करवा दी 1000, आंसर हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट देखे जी क्लास, 10.5 किलोग्राम को हमने ग्राम्स में चेंज करना है, जब दोनों यूनिट सेम हो जाएंगे तो हम इसे इजीली प्लस करवा देंगे। 105 को मल्टीप्लाई बाय 1000 किया है, आंसर हमारे पास 200 प्लस करने के बाद ये आ गया जो है 10.5 to 100 ग्राम्स। ओके क्लास, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ई पार्ट है इसका, 10 किलोग्राम 5 किलोग्राम को हमें चेंज करना है ग्राम्स में। 10 को मल्टीप्लाई बाय 1000 किया है मैंने, तो ये भी आंसर किस में आ गया हमारे पास ग्राम्स में। दोनों यूनिट सेम हो चुके हैं तो क्या हमें 10,005 ग्राम्स हमारे पास आंसर आ चुका है। क्लास ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। जी क्लास, आपने पहले कर लिया था क्वेश्चन नंबर 7, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करने लगे हैं, जो कि है कन्वर्ट इनटू किलोग्राम्स। आपने पहले किसको की किलोग्राम्स को ग्राम्स में चेंज किया था, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 किया था। अब आप करने लगे ग्राम्स किलोग्राम्स में, तो इजीली आपने सिर्फ डिवाइड बाय जो हमें वैल्यू गिवन है उसको डिवाइडेड बाय क्या करना है 1000 कर देना है। ये देखिए 50 ग्राम हमें गिवन है, ये आपका बुक वर्क है, ये आपने बुक पे ही करना है। क्लास इज इक्वल टू 0.05 kg, किस तरह किलोग्राम में आई ये देखा आपने, 50 को मैंने डिवाइड बाय 1000 करके किलोग्राम का यूनिट लगा दिया। यूनिट आपने जरूर मेंशन करने, इसकी बहुत वैल्यू है यहाँ पर। ठीक है, इजीली हमारे पास आंसर आ गया 0.05। बी पार्ट की तरफ आते हैं, 190 ग्राम को हमने किलोग्राम में चेंज करना है, मैंने डिवाइडेड बाय 1000 किया है, साथ में केजी का मैंने यूनिट लगाया 0.19 आंसर आ गया। सी पार्ट देखते हैं, 2155 ग्राम को किलोग्राम में करना है, इसको भी मैंने डिवाइडेड बाय 1000 किया है, केजी का यूनिट लगाया, आंसर ही आ गया। क्लास आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का डी ई एफ पार्ट है, वो होमवर्क है, आपने इसे होमवर्क करना है। ठीक है, और इसे कॉपी पर जरूर मेंशन करना है ताकि हम इसे चेक कर सकें। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम करने लगे क्वेश्चन नंबर 9, उसके लिए आपको दो बातों को याद रखना है, वो ये है कि ग्राम को आप जब मिली ग्राम में लेकर आना है तो उसके लिए आपको क्या करना है 1000 से मल्टीप्लाई करना है, जब एमजी को आपने ग्राम में लेके जाना है तो आपने डिवाइडेड बाय 1000 करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करने लगे, कन्वर्ट द फॉलोइंग एज रिक्वायर्ड, क्योंकि किसी में उन्होंने आपसे रिक्वायर्ड किया है एमजी को आपने जी में चेंज करना है, किसी में आपको कहा हुआ है कि जी को आपने कन्वर्ट करना है एमजी में, तो इसके लिए देखें आप, मैंने mg को ग्राम में करना था तो मैंने मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया यहाँ पर, डिवाइड बाय 1000 कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखें यहाँ पे आपने क्या करना है, 1500 को मैंने आराम से जो है कर दिया है ग्राम को, mg में करना था तो मैंने क्या किया मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया, आंसर ये आ गया है। 2135 mg को मैंने सॉरी किया है ग्राम में चेंज, तो उसके लिए मैंने फिर डिवाइड कर दिया है 1000 से, आंसर आ गया 2.135 जी। आगे आते हैं डी पार्ट की तरफ, 85 ग्राम को मैंने एमजी में चेंज करना था तो मैंने क्या किया मल्टीप्लाई बाय लगा के 1000 करके उसका यूनिट लिख दिया। यूनिट आपने जरूर मेंशन करना है, इन यूनिट्स की बहुत है।
नेक्स्ट पे मूव करते हैं ई पार्ट। 291 ग्राम को मैंने चेंज करना है एमजी में, तो मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दूंगी। आंसर आ गया 291 और 1000 के 3 जीरोस मैंने साथ में लगा दिए हैं। जी क्लास, ये था आपका आज का लेक्चर जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। आपने इसे अच्छे से कर लेना है और अपने कॉपीज पे लिखकर आपने इसे डेली की पिक्चर व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करनी है। आपका जो होमवर्क है वो क्वेश्चन नंबर 8 का डीईएफ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो कि आपका बुक वर्क ही है, ये भी आपका बुक वर्क है। आपने इसे करके अच्छे तरीके से तो आपने व्हाट्सएप में पिक्चर शेयर करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, स्टे होम।